रॉक भाई को इतना राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जब बहुत अच्छा काम करते हैं यार। थैंक यू भाई, अच्छा लगा मिलके। तुम दोस्त को यूज कर रहे हो यार। चला भाई आप कैद हो गए, अभी ब्लॉग में आ जाएंगे आप। अकेला भाई रो रहा है, हमारे स्टिकर का काम सारा इन्होंने किया हुआ है। तुम यार बंदे की यार प्राइवेसी लीक कर रहे हो तुम यार। ये देखिए स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से। तो दोस्तों आज मैं निकल पड़ा हूँ कुल्लू की ओर, कुल्लू बुंदर तक जाएंगे। कुछ चीजें प्लानिंग हो रहा है ट्रिप का, हफ्ता 10 दिन का ट्रिप रहेगा। तो बाइक को थोड़ा सा टायर चेंज करवाना है, बाइक सर्विस तो है, सर्विस करवाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ आज यार, थैंक यू सो मच आप सभी YouTube फैमिली को। आज मेरा 3K कंप्लीट हो गया है, ताली। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा हमारे साथ। आज 3K हुआ है, आने वाले टाइम में 100K, उसके बाद मिलियन तक जाएंगे हम। बस आप लोगों का साथ बना रहे। ये देखो पागल नाला का भी जोर शोरों से काम चला हुआ है, बरसात अभी आने वाला है तो उससे पहले शायद कुछ कर ले। हाँ, मज़ा आ रहा है। ठंडा हवा, हाय। आज तो मैंने विंड चीटर भी लगाया है, आज मैं सोचा डाला है मैंने, वैसे अगर बारिश आया तो ज़रूरत पड़ सकता है तो मैंने डाल दिया हूँ मैं बैग में, बट लगाया नहीं यार, सोचा मैं ठंडा हवा आते जाऊँगा यार। ओए कितने खड्डे है यार। यार आजकल कुछ भी चल रहा है यार, कुछ भी तुम किसी के बारे में कुछ भी बोल दो और लोग इतने ही है कि मान जाएंगे। हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है यार दोस्त। यार आप लोगों को पता ही है मैं क्या बात करने वाला हूँ। यार अपने रोकलमा भाई है ना, उसके साथ बुरा हुआ यार। तुम यार एक ही जगह से हो, हाँ ग्रुप में तुम राइडिंग के लिए निकले हो, ग्रुप में चलो तुम दोस्त को यूज़ कर रहे हो यार, यूज़ के चक्कर में तुम दोस्त को छोड़ के यार अकेले छोड़। रॉक भाई को इतना राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि वो बता चुका है। हाँ और जबकि तुम्हें भी पता है, तुमने भी ये बात बोला है, तेरे से ज़्यादा मेरे को राइडिंग एक्सपीरियंस है बोल के, ठीक है। और तुम उस बंदे को भाई इतना दूर निकले हो तुम घूमने के लिए, राइड करने के लिए, और वहाँ पे छोड़ के उसको अकेले छोड़ के तुम जा रहे हो। बंदा अकेला भाई रो रहा है, ना तुम उसका फ़ोन रिसीव कर रहे हो, ना तुम उससे बात कर रहे हो। कमाल है यार, कमाल है यार। भाई काम करो यार, व्यूज छापो यार, पर इस तरीके से नहीं यार, गलत है ये चीज़ यार, गलत है। चलो छोड़ के चले गए तुम यार, बंदे की यार प्राइवेसी लीक कर रहे हो तुम यार। हाँ तो कैसा दोस्त हो यार, दोस्त ऐसा थोड़ी ना होता है कि छुप छुप के यार बंदे का भाई। अब दोस्तों में कई बातें होती है यार, ब्लॉगिंग है इसका मतलब ये है कि तुम हर चीज़ भाई तुम दिखा दो भाई, सबके सामने रख दो भाई, लोगों की प्राइवेसी भी होती है भाई। मैं भी हर चीज़ नहीं दिखाता हूँ, मेरा भी प्राइवेसी है कुछ ना कुछ, है ना यार। बॉबी भाई तुमने सही नहीं किया यार रॉक के साथ यार, तुम कह रहे थे ना दोस्ती वर्ड तुम ख़राब नहीं करना चाहते हो, तुमने वो दोस्ती वर्ड ख़राब ही कर दिया है, दाग लगा दिया तुमने दोस्ती पे यार। तुम यार बंदे की प्राइवेसी को तुम छुप छुप के तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ, और बंदे की प्राइवेसी को तुम लोगों के सामने तुम नेगेटिव चीज़ें तुम दिखा रहे हो यार। यार कहाँ की दोस्ती है यार ऐसे यार, ये पता लगता है कि मतलब के लिए दोस्ती रखी थी भाई, व्यूज छापना है। कमाल है यार, कमाल है। हमारे भी दोस्त है, हम भी दोस्तों से कई बार हो जाती है यार, कई बातें होती है अनबन हो जाती है यार। तो मैच्योर है यार, उसको सेटलमेंट करो ना यार, कोई बातें जब बनती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो सेटलमेंट करो, बात करो यार। बात करके क्या चीज़ नहीं होता है यार, करके यार दो देशों की वॉर खत्म हो जाती है यार, तुम और दो दोस्तों के छोटी छोटी लड़ाई यार खत्म नहीं कर सकते क्या बात करके यार, शॉर्ट आउट नहीं कर सकते क्या। आजकल हिमाचल में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, गाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही है ना, अब देखो आप लोगों को दिख रहा है पोल्यूशन, देखो पहाड़ों पे पहाड़ पूरा क्लीन नहीं दिख रहा है। चलो हम भुंतर पहुंचने वाले हैं, पहले तो टायर का पता करना है इसका टायर। ये पहाड़ मस्त है यार, ये एक तो यहाँ दिख रहे भैया, बाइक की टायर मिल जाएगी आगे वाली 90-90। ये कौन सा ब्रांड है, ये रालको का है, ये दोनों रालको के। रालको जो है ना पुराना, मतलब पुराने टायर्स है, मतलब टायर्स तो नया है
बट ऐसा है कि पहले बहुत पहले लोग यूज़ करते थे डुअल स्पोर्ट्स में, घिसता बहुत जल्दी है वो टायर। टायर दिखाना यार बाइक का आगे वाला, 90-90 हाँ 90-90-19। एक तो ये टायर मेरा ही कैट का, पर ये बहुत यूज्ड जैसा लग रहा है, पुराना है बहुत, इनके उस फ्रेश पीस है ही नहीं। चलो देखते क्या होता है आगे। गर्मी से बुरा हाल हो गया दोस्तों यार, अंदर पसीना पसीना हो गया यार। अब पीछे मेरा जो रियर टायर है नॉर्मल टायर लगाया हुआ है, आगे अगर डुअल स्पोर्ट लगाऊंगा तो दोनों टायर डिफरेंट हो जाएंगे, आगे वाला टायर हैवी हो जाएगा, पीछे वाला टायर लाइट हो जाएगा, तो आगे ज़्यादा वेट आ जाएगा। अगर मैं लगेज वगैरह डालूंगा वेट सारा पीछे जाएगा। पीछे वाला टायर मैंने अभी रिसेंटली मैंने अभी चेंज करवाया है, तो और मैं चेंज करवाना नहीं चाहता हूँ, इतने पैसे भी नहीं अपने पास, तो आगे वाला चेंज करवाना है तो नॉर्मल टायर ही लेंगे हम, डुअल स्पोर्ट नहीं लेंगे। वो नॉर्मल टायर एक मिला था बट वो ऐसा है कि अब आपका पुराना जैसा लग रहा है वो ना, ऐसा लग रहा है कि यूज्ड है वो। अब कुल्लू नहीं कर रहे, कुल्लू जाके देखते मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे चेकआउट करते हैं यार, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्त क्या हाल चाल है? बढ़िया। कहाँ गए अंकल जी? ये चेन भी अभी छोटा करवाना पड़ेगा, और दूसरी बात है तो ये बुश चेक करवा रहे, अगर बुश टाइट करवाओगे ठीक हो जाता तो टाइट करवाएंगे, अगर नहीं होता तो फिर चेंज करवाएंगे, और उसके बाद जाके फिर टायर भी चेंज करवाना है, तो देखते क्या कैसा होता है अभी, और तो टाइम लगेगा, यहाँ लगे हुए हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna... मनोज भाई फिर मिलते हैं। चलो ओके जी। तो दोस्तों हमारा ये मनोज भाई आनंद ऑटोमोबाइल्स इनका ही है, तो यहाँ पे आइए सेवा का मौका दीजिए इनको, बहुत अच्छा काम करते हैं यार। ठीक है भैया, थैंक यू भाई, अच्छा लगा मिलके, है ना? सेफ जर्नी भाई जी। ठीक है, कभी बनाएंगे साथ में। ठीक है, ठीक है दोस्तों मिलते। दोस्तों अभी टायर लगवाना है, टायर लगवाने गए हुए हैं, तो अभी जो फॉग लाइट है, फॉग लाइट का मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ यार। मेरे उसमें जो हेडलाइट है वो तो सही है, लाइट उसका सही है, बट एमरजेंसी के लिए बोल रहा हूँ, इनकेस काम नहीं किया या ट्रिप में कुछ हो गया तो, तब करके मैं सोच रहा था वो फॉग लाइट लगवा लूँ, क्योंकि वो ट्रिप के लिए काम आएगा, उसके बाद मैं तो यूज़ करने वाला नहीं, उसको मैं निकाल के रखूँगा, क्योंकि पता है हिमाचल में चलान होते उसके। कन्फ्यूज हूँ क्या करूँ क्या करूँ, सोच रहा हूँ अभी, सोचते हैं तो तक भाई भी आ जाएगा। तो दोस्तों टायर भी लग चुका है, ये वाला टायर लगवाया है सीएट का जूम प्लस, बाकी टायर ही अच्छे वाले नहीं मिल रहे यार, अब यही हो सकता है। यहाँ पे स्टिकर लगवाने आए थे, यहाँ पे स्टिकर नहीं बन रहा है, अब आगे कहीं पे देखते। इस रास्ते का ना कम से कम मैं 6-7 चक्कर लगा चुका आज मैं, कभी किसी चीज़ के लिए भाग रहा हूँ, कभी कोई चीज़ नहीं मिल रहा है उसके लिए भाग रहा हूँ, स्टिकर बनवाना था। अभी जा रहे हैं हम नीचे ढाबा भाई के पास, यहाँ से अंदर वो खड़ा है हमारा ढाबा भाई। क्या हाल चाल? बढ़िया चला हुआ है, चला हुआ है। आप कैद हो गए अभी, ब्लॉग में आ जाएंगे आप अभी। अकेले अकेले मम्मी रखे अभी। अच्छा अच्छा, कहाँ बनेगा स्टिकर? हाँ चलो पहले तो कुछ खा लेते हैं यार, मेरे को भूख लग रहा है ना। ये आ गए जी मोमोज, दावा भाई ने बनाया मोमो शोमो खा के बैठे हुए, और मस्त है भाई, टेस्ट तो एक नंबर भाई। ऐसा नहीं कि दोस्त का बोल के बोल रहा हूँ, पर दोस्त का नहीं भी होता ना फिर भी बोलता हूँ भाई, टेस्ट ना एक नंबर है भाई। तो इनके होटल का नाम है लामा चाइनीज़ कॉर्नर, तो आप लोग आइए, मस्त बढ़िया, आप लोग आइए टेस्ट कीजिए, मज़ा आ जाएगा भाई, एक नंबर मज़ा आ जाएगा। अभी हम सर्वेरी में हैं, और ढाबा का होटल वो वाला है देखो, वो ढाबा भाई और हमें अभी हम जा रहे हैं स्टिकर प्रिंट करवाने। क्यों? तो दोस्तों अभी यहाँ पे गए थे एक जगह पे स्टिकर प्रिंट करवाने, यहाँ पे बोले तो पीछे से गए थे यहाँ पे इस वाली जगह पे, तो यहाँ पे भी अभी न्यू हुआ काम, तो अभी जा रहे हैं हम हलपुर, तो वहाँ देखते क्या सीन पानी बनता है। यहाँ पे पहले बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे थे यार, सारे पेड़ काट दिए, जैसे ये दिख रहा है ना आपको आगे साइड साइड में जो पेड़ लगे हुए, ऐसे पेड़ लगे हुए थे भाई साइड साइड में, यहाँ पे मस्त वाले, देखो छाँव अच्छा लग रहा है ना,
पर पता नहीं क्यों काट दिया। तीसरी कोशिश देखते क्या होता है, दो कोशिश तो फेल हो गया, आई होप यहाँ पे हो जाए। चलो फाइनली यहाँ तो हो जाएगा। तो दोस्तों फिर हमारा दावा भाई जा रहे हैं अभी, मिलते ठीक है मिलते। थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू आपने हमें भोजन खिलाया। बिल्कुल मोमो है हमने यार, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। पर जाना विजिट ज़रूर करना इनके पास भाई, इस बार हमारे ट्रिप में हमको ज्वाइन नहीं करेंगे, बट अगली बार ज़रूर, इनको कुछ काम है तो इस कारण से ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे। एक बार जो भी ट्रिप बनेगा उसमें पक्का ये ज्वाइन करेंगे उनको। बिल्कुल क्यों, ठीक है भाई थैंक यू, मिलते हैं। ओके मिलते, ठीक है ओके। हमारे संतोष भाई है ये, हमारा स्टिकर का काम सारा इन्होंने किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो भाई के पास ज़रूर आएंगे हम फिर से। ठीक है भाई थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया आपने। आपको मैं स्टिकर दिखाता हूँ, पहले तो हमने ये वाला स्टिकर लगाया इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, और ये देखिए सोविर ब्लॉग्स, तो सारा कुछ भाई ने किया हुआ है। ये है रातू आर्ट्स कुल्लू में, ये है सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल के पास है। तो चलते हैं अब घर की ओर, तो अभी हम वाले रोड से जाएंगे। तो बाइक का काम हो गया, स्टिकरिंग हो गया, अब एक स्टिकर और बनाना है लोगो वाला। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं घर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। We're gonna make it.